फ्री फायर वालों हो सके तो मुझे माफ कर देना गाइस, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारी गेम को गलत बताया गाइस। मुझे पता चल गया कि फ्री फायर कोई ऐसी वैसी गेम नहीं है। मैंने कल इंस्टॉल की और खेली भी गाइस, तब मुझे पता चला कि फ्री फायर कोई नूबड़ी गेम नहीं है, बल्कि फ्री फायर तो एकदम टट्टी गेम है। सच्ची बता रहा हूँ गाइस, कभी मत खेलना। देख भाई, पबजी एक अच्छा गेम है, ठीक है, इसलिए पबजी जिंदाबाद जिंदाबाद। और फ्री फायर? फ्री फायर तो पबजी का बाप, पबजी का बाप। हम पबजी वाले दोस्त, पबजी वाले झुकते नहीं, झुकाते। और क्या बोला रे फ्री फायर वाले नुबड़े, कि फ्री फायर वाले छुप छुप के नहीं खेलते? तो तुम रास्ते पे जो दीवार बनाते हो वो पेंटिंग के लिए बनाते हो क्या? अरे ओए पबजी वाले नल्ले, क्या बोला? पबजी वाले झुकते नहीं, झुकाते। असल में बेटा पबजी वाले कुत्ते, काटते नहीं भोंकते। और क्या बोला बेटा, हम दीवार पेंटिंग के लिए बनाते। बेटा हमारे फ्री फायर में तुम्हारे जैसे डरपोक नहीं है जो जंगल में जाके चूहे की तरह बिल में छुप के बैठे। और बेटा जो तू दीवार बोल रहा है ना, उसे दीवार नहीं कहते, ग्लूवाल कहते। पहले बोलना सीख, उसके बाद वीडियो बना। अरे ओए फ्री फायर वाले चाचा, तुम ना गलती से भी पबजी में मत आना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। मालूम है क्यों? क्योंकि चिकन डिनर तो दूर की बात है, तुम तो लैंडिंग भी नहीं कर पाओगे। अरे ओ पबजी वाले नल्ले, क्या बोला? लैंडिंग कर नहीं पाएंगे? बेटा ये तो दूर की बात है, तू तो ये भी मत समझ कि फ्री फायर में बुया कर पाएंगे, क्योंकि फ्री फायर में लैंडिंग तो दूर की बात है, प्लेन में बैठ भी नहीं पाएगा। अगर गलती से भी प्लेन में बैठ गया ना बेटा, तो तुरंत AK-47 का गोली खाएगा। पबजी बैन होने पर फ्री फायर वाले चाचा बोल रहे आ जाओ फ्री फायर खेलते। बेटा वो कोई लड़की नहीं है, जो एक बार छोड़ के चली गई तो हम दूसरी पकड़ लेंगे। सच्चे दिल से चाहते इसलिए बेटा वो वापस आ गई। बेटा पबजी वापस आएगा नहीं, जा चुका है कि बेटा पबजी वापस आएगा नहीं, जा चुका है। अब फ्री फायर का नाम टॉप वन पे आ चुका है। अब ये पागलपंती करना छोड़ दो और चुपचाप से अपना रास्ता फ्री फायर की ओर मोड़ लो। अभी मजा आएगा ना।